हेलो फ्रेंड, पेटीएम ने, आप जानते हैं कि पेटीएम ने 23 मई 2017 को अपना पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया है। उसके बाद ये न्यूज़ आई कि आप अपना बैलेंस किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं NEFT के द्वारा, UPI के द्वारा, IMPS के द्वारा। सो पेटीएम पेमेंट बैंक आपसे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा। अदर बैंक की बात करें तो आपका बैलेंस ट्रांसफ़र करने पर किसी और बैंक में IMPS के द्वारा, NEFT के द्वारा या फिर UPI के द्वारा आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन पेटीएम आपसे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा। अगर आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में 0 बैलेंस भी रखते हैं तो भी आपसे पेटीएम 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लेगा। और पेटीएम जो है आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देगा जो आप अदर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेटीएम को दोस्तों बहुत गर्व है अपना पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च करने के लिए। सो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको इस तरीके का लिंक दिखाई देगा सब्सक्राइब का। कुछ लोगों को पता नहीं रहता सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए हमने आपको बताया कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने का मौका पाइए। सो बढ़ते हैं आगे। सो हमने आपको बता दिया है कि उसके बाद बात करते हैं कि आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के बैलेंस रखेंगे तो आपका जो है पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा जैसा आपके एक बैंक में रहता है। इनिशियल फेज पे पेटीएम पेमेंट बैंक इनवाइट ओनली बेसिस पर है। अगर आप चाहते हैं तो ही आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक ले सकते हैं। फर्स्ट फेज की बात करें तो ये पहले अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक स्टार्ट कर रहा है और अपने एजेंट्स के लिए, एसोसिएट्स के लिए। सो अदर जो लोग हैं वो अपने www जो paytmpaymentbank.com पर जाके अपना पेटीएम पेमेंट बैंक की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इस पर मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, इसके बाद ही वो मैं वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों, पेटीएम जो है आपके एनुअल डिपॉजिट पर 4% आपको इंटरेस्ट देगा, ये इसने बता दिया है। अगर हम एयरटेल पेमेंट की बात करें तो वो आपको 7.5% देता है। सो पेटीएम पेमेंट बैंक में और आपको क्या क्या मिलेगा, चलो बढ़ते हैं आगे और आपको सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि IMPS, NEFT, UPI के द्वारा अगर आप किसी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपसे पेटीएम 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा। सो फिज़िकली की बात करें तो फिज़िकल में आपको चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट और डेबिट कार्ड सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 100 रुपीज़ प्लस आपके डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। सो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको 4% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको मंथली बेसिस पर पेटीएम पेमेंट बैंक आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में डाल देगा। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें तो ये अदर चीज़ हैं। अगर आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में 25,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको पेटीएम 250 रुपये आपको उसका इंटरेस्ट देगा, जैसे ही आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में 25,000 रुपये जमा करते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि अभी पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ है और पेटीएम पेमेंट बैंक में अभी क्या चल रहा है। सो दोस्तों, मेरी आने वाली जो वीडियो है कि आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं तो वो ज़रूर देखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज़।